हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वील्ज तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं तो यह है आप लोगों का एम जी जेड एस ई जो है एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे इंडिया में बहुत कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया था एंड लॉन्च होते ही इस गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनाई है अपनी इंडियन मार्केट में एंड ग्लोबली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड रिकोगनाइज ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एंड बहुत सारी गाड़ियाँ हर साल सेल होती है एंड इंडिया में जो इसकी गाड़ियाँ हैं उनकी बात करें सबसे पहले इसने एम जी हेक्टर एम जी जे एड एस ई वी एम जी हेक्टर प्लस एंड एम जी एस्टर ये चार गाड़ियाँ इसकी अभी इंडियन मार्केट में हैं एंड फाइनली ये जो है अपनी एम जी जे एस ई वी को एक फैसिलिट वर्ज़न देने वाला है जो कि बहुत जल्द आप लोगों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा आज दोस्तों हम लोग इस गाड़ी के बारे में ही बात करने वाले हैं इसके फैसलिटी वर्जन के बारे में इसमें क्या क्या अपडेट दिया जाएगा तो गाइस सबसे पहले तो एम इस गाड़ी को रिवील कर चुका है इंडियन मार्केट के लिए जिसके इमेजेस आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे यह मॉडल ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी जगह पे सेल है एंड फाइनली इसे इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है इसकी लुक जो है काफ़ी हद तक आप लोगों को सिमिलर लग रहा होगा एम एस्टर से गाड़ी को पहले से ज़रा शार्पर लुक दिया गया है न्यू बॉडी कलर इंट्रोड्यूस किया गया है गाड़ी में एंड सारे सारे क्लोज फ्रंट ग्रिल आप लोगों को मिलता है न्यू अलेवल्स डिज़ाइन दिए गए हैं कंप्लीट डिटेल के इस गाड़ी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या अपडेट आप लोगों को मिलेगा इसमें क्या क्या फीचर अब आप लोगों को मिलेंगे इस गाड़ी में सबसे पहले एक गाड़ी को न्यू फ्रेश लुक दिया गया है काफ़ी सारे ई वी स्पेसिफिक टचेस दिए गए हैं काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स गाड़ी में किए गए हैं सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें पहले से ज़्यादा स्लिम एल ई डी हेडलैम्प्स आप लोगों को इस गाड़ी में अब मिलता है हरे साथ आप लोगों को न्यू एल ई डी डेटा रनिंग लाइट्स प्रोवाइड की गई है गाड़ी में एंड काफी अपडेटेड फ्रंट प्रॉपर दिया गया है गाड़ी में काफ़ी सारे न्यू बॉडी कलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं गाड़ी में एंड जो ग्रिल एरिया है उसे कम्प्लीटली सील आउट कर दिया गया है एंड वहीं पर ही आप लोगों का चार्जिंग पॉट है फ्रंट ग्रिल में ही जो कि आप लोगों को फ्रंट के एम जी लोगों के बगल में ही मिलेगा एंड अगर रियर की बात करें आप लोगों को एक फुल न्यू रिफ्रेस्ड एल ई डी टेन लैम्प डिज़ाइन देखने को मिलेगा एंड सारी साथ न्यू बम्पर रियर बम्पर डिज़ाइन देखने को मिलेगी सारी साथ ही सर गाड़ी में आप लोगों को ऑन न्यू एलेवेस डिज़ाइन देखने को मिलेंगे सेवनटीन इंच के एलेवेल्स मिलते हैं इसमें इन सारे सर इलेक्ट्रिक बैजेस मिलेगा आप लोगों को गाड़ी के फ्रंट फेंडर्स में तो गाइस एमजी ने इस गाड़ी के इंटीरियर का कुछ इमेजेस रिलीज नहीं किया है इंडिया के लिए लेकिन फिर भी जो स्पाइस आट्स है उससे पता चलता है कि गाड़ी की इंटीरियर जो है काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाला है ऑलमोस्ट नाइन्टी से नाइन्टी तक आप लोगों को सिमिलर मिलेगा जो कि एम जी के साथ होगा एंड इस गाड़ी में आप लोगों को और काफ़ी सारे फ़ीचर मिलने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रिवियस मॉडल डैशबोर्ड की जैन तो पहले मैं बता दूं बिल्कुल सेम रहेगी आप लोगों की एम जी एस्ट के साथ और जो फीचर की बात कर रहा हूं मैं वो भी काफ़ी सारे फ़ीचर आप लोगों को एम जी एस्ट्रा से बोड किया जाएगा इसी गाड़ी में जो आप लोगों का जे एस ई वी होगा उसमें आप लोगों को दी ऑल न्यू टेन पॉइंट वन इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम गाड़ी में मिलेगा जो कि जो प्रीवियस मिल रहा था आप लोगों को एट इंच का यूनिट का उसे रिप्लेस करके टेन पॉइंट वन इंच का मिलेगा अभी एंड सारे सारे इंटीरियर का जो कैबिन क्वालिटी है फिट एंड फिनिशिंग मटेरियल है जो सीट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस सीट आप लोगों को मिलेगा एम जी एस्ट्री की तरह एंड आप लोग बता दूँ जो टॉप स्पेक मॉडल लगा टॉप वेरियंट मॉडल वहाँ पे आप लोगों को फॉक्स कार्बन फाइबर ट्रिम मिलेगा टच स्क्रीन के चारों तरफ बाकी आप लोगों के क्लाइमेट कंट्रोल के बटन वगैरह सिमिलर रहेंगे एम जी एस्ट्रा के साथ इंस्ट्रूमेंट प्लानर जो है गाड़ी का वो भी सिमिलर रहेगा आप लोगों को एम जी एस्ट्रा के साथ इन इस गाड़ी में एम जी एस्ट्रा की तरह आप लोगों को एडांस फंक्शन भी मिल सकता है एडवांस एडवांस द्र, ड्राइव एसिस सिस्टम एंड साथ ही साथ थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा भी मिलेगा गाड़ी में आप लोग देख रहे होंगे जो फ्रंट कैमरा है वो गाड़ी के एमजी के लोगों के नीचे ही है एग्जैक्टली exactly, फ्रंट पे सिमिलर टू द एमजी एस्टर एंड मैं बता दूं आप लोगों का जो एडवांस ड्राइव एसिस सिस्टम है अड़ा सिस्टम उसके लिए जो जेड एस ई है उसमें जो कैमरा होगा ना सिमिलर कैमरा रहेगा एंड्राइड सिमिलर रेडर सेटअप भी रहेगा इसका कंपेयरिंग टू द एमजी एस्टर हालांकि जो स्पायर्ड इमेज दे, देखा गया था उसमें आप लोगों को जो था उसके डैशबोर्ड पे आप लोगों को जो एम जी एस्टर की तरह डैशबोर्ड माउंटेड रोबोट एसिस सिस्टम नहीं मिलता है हालांकि वो प्रोडक्शन मॉडल में आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो पता चलेगा जब गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा एंड फाइनली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाड़ी का आप लोगों का ये आप लोगों का सेवन इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि रिप्लेस करेगा आप लोगों का जो प्रीवियस आता था जेडी में एनालॉग डाइल्स को एंड गाड़ी में जो सबसे मेजर अपडेट आने वाला है मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें बैटरी पैक को बढ़ाने वाले हैं ऐसा सुनने को मिला है हालांकि एम ने इसके टेक्निकल डिटेल्स अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 51 वन किलो वाट का बैटरी बैक इस गाड़ी में मिलेगा जो कि आप लोगों को प्रीवियसली मिलता था 44.5 फोर पॉइंट फाइव किलो वाट का वो भी रहेगा आप लोगों को लोअर मॉडल में एंड जो टॉप मॉडल्स में आप लोगों को लॉन्गर रेंज के लिए 51 वन किलो वाट का बैटरी पैक मिलेगा प्रीवियस वाला मिलता था 44.5 फोर पॉइंट फाइव किलो वाट का उसमें आप लोगों को जो क्लेम रेंज था कंपनी की तरफ से वो आप लोगों का फोर हंड्रेड नाइनटीन किलोमीटर का क्लेम रेंज था लेकिन इसमें आप लोगों को फिफ्टी वन किलोमीटर में उससे ज़्यादा बैटरी रेंज मिलेगा ज़रूर ऑलमोस्ट नियर टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर तक आप लोगों को रेंज मिल जाएगा इसमें जो आप लोगों का प्रीवियस जनरेशन मॉडल है एम जी डेड जो अभी मार्केट में चल रहा है वो आप लोगों को वन फोर्टी थ्री हॉर्स पावर का मोटर यूज़ किया जाता है इसमें जो तो कि आप लोगों को थ्री फिफ्टी थ्री न्यूटोमीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है इस मोटर के चेंजेस के बारे में अभी तक कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया है हो सकता है कि हम हम लोग को सेम मोटर फिर से देखने को मिले अब हो सकता है इस गाड़ी में मोटर को चेंज कर दिया जाए एंड पहले से ज़्यादा पावरफुल मोटर प्रोवाइड किया जाए अभी तक उस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है तो ये होगी दोस्तों इस गाड़ी के जो कंप्लीट डिटेल्स अब बात करें इस गाड़ी के जो प्राइसेस की तो मैं आप लोगों को बता दूं जो प्रीवियस मॉडल है अभी जो मॉडल चल रहा है मार्केट में उसकी प्राइस है आप लोगों का ट्वेंटी वन लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी फाइव लाख एटीन थाउजेंड तक एक्शरूम प्राइसेस की बात करूँ मैं इंडिया में एक्शरूम प्राइसेस जो नेक्स्ट मॉडल आने वाला है फेसिलिट उसमें ज़रूर प्राइस बढ़ेगा तो आप लोग नियरली ट्वेंटी टू ,00 लैख से लेकर एंड अगर गाड़ी एडास थ्री डिग्री कैमरा लार्जर बैटरी पैक के साथ आई तो उसकी जो प्राइस है वो नियरली आप लोगों का ट्वेंटी टू लाख से लेकर ट्वेंटी एट लाख तक हो जाएगी टॉप मॉडल की प्राइसेस की बात करूँ मैं दो जो कि दो से तीन लाख ज़्यादा महंगी पड़ेगी आप लोगों को जो प्रीवियस मॉडल से क्योंकि जो पुराना मॉडल है उसमें जो टॉप मेरेट है वो आप लोगों का ट्वेंटी फाइव लैक एटीन थाउजेंड में आ जाता है तो ये हो होगी इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में अब आप बात करें इस गाड़ी की लॉन्च की तो कमिंग कुछ मंथ में ही इस गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है अराउंड मई के महीने के आसपास ये गाड़ी जो है अप्रैल या मई के महीने के आसपास ये गाड़ी आप लोगों को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी एंड इसके प्राइसेस भी अनाउंस कर दिए जाएंगे जैसे इसके प्राइसेस अनाउंस होते हैं मैं वैसे इसकी सारी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा फिर से अपने चैनल में इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सारे सारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पे देख सकें एंड एक और चीज़ बता दूं इस गाड़ी के जो राइवल्स हैं इंडियन मार्केट में वो आप लोगों का हुडाई कोना इलेक्ट्रिक एंड आप लोगों का टाटा नेक्सोन ईवी हालांकि हुडाई कोना का जो इलेक्ट्रिक का फ्रेसली वर्जन आने वाला है बहुत जल्द एंड सारे साथ नैक्सोन ई जो है उसमें भी आप लोगों को एक अपडेट मिलने वाला है एक लार्जर बैटरी पैक मिलने वाला है तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को हमारे वीडियो, अच्छा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा एंड साथ ही साथ प्लीज़ हमारे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहे एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय फ्रेंड्स एंड अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं एंड किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में ज़रूर डाल दूँगा